नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज सावन का पहला दिन, 58 दिन के सावन महीने की शुरुआत आज से हो गई है। इस बार सावन 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा, सुबह 4 बजे से ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं लोग और काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं भक्त। इस बार सावन 4 जुलाई से 31 अगस्त तक जारी रहेगा। आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है और लोग कांवड़ यात्रा लेकर यात्रा पर निकल गए हैं। सुबह 4 बजे से ही रुद्राभिषेक शुरू हो गया है। मंदिरों के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है। आज सावन का पहला दिन है, ऐसे में काफी संख्या में भक्त मंदिरों के बाहर खड़े हैं और लगातार लाइनों में इंतजार कर रहे हैं कि कब वो रुद्राभिषेक करेंगे। तो आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है और सुबह 4 बजे से ही रुद्राभिषेक किया जा रहा है। लोग मंदिरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। आज सावन का पहला दिन है, ऐसे में भारी भीड़ कांवड़ यात्रा देखी जा रही है। सड़कों पर लोग कांवड़ लेकर निकल गए हैं। इस बार सावन 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। सुबह 4 बजे से रुद्राभिषेक लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु काफी संख्या में मंदिरों के बाहर लाइन लगाकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी नजर आए। सुबह 4 बजे से लगातार भक्त मंदिर के बाहर लाइन में खड़े हुए हैं। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। तो वही दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन के एक बड़े स्टेशन हुडा सिटी सेंटर का नाम डीएमआरसी ने सोमवार को एक दिन में 3 बार बदल दिया। सबसे पहले हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन नाम गुरुग्राम सिटी सेंटर किया गया। कुछ घंटे बाद ही इसका नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया और कुछ देर बाद यानी तीसरी बार नाम में संशोधन किया गया और नया नाम मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम रखा गया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अवनिंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अवनिंद्र, 3 बार नाम बदला गया, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में, क्यों ऐसा किया गया? जी पूनम, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये दिल्ली की येलो लाइन है जिसका कल दिन में 3 बार नाम चेंज किया गया। सबसे पहले इसका नाम हुड्डा सिटी सेंटर था और उसके बाद जो दूसरा नाम रखा गया वो गुरुग्राम चेंज करके नाम रखा गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद डीसीआरपी का दोबारा से आदेश आता है तो उसके बाद मिले नियम सिटी सेंटर नाम रख दिया गया। साफ तौर से जब ये जानकारी हुई तो उसमें साफ तौर से कहा गया कि हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली मेट्रो को प्रस्ताव भेजा गया था नाम चेंज करने के लिए और इसीलिए जो दिल्ली मेट्रो है उसने नाम चेंज कर दिया। और साफ तौर से देखा जाए कल जिस तरीके से येलो लाइन का नाम चेंज हुआ और आज से दिल्ली मेट्रो की जो प्रक्रिया है, जो तमाम तरीके के स्टिकर और जो मेट्रो स्टेशनों पर लिखा था उस पर भी कार्य शुरू हो गया है पूनम। जी बिल्कुल, तो डीएमआरसी का अवनिंद्र क्या कहना है, क्योंकि 3 बार नाम बदला गया, कोई एक नाम डिसाइड किया गया या फिर वही पुराना नाम फिर से बदला गया? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो इसका नाम हुड्डा सिटी सेंटर था ही, उसके बाद गुरुग्राम किया गया, लेकिन अब मिले नियम गुरुग्राम जो है मेट्रो स्टेशन का नाम कर दिया गया। साफ तौर से जो दो नाम रखे गए थे वो दोनों नामों का इसमें जोड़ कर दिया गया है और जो यात्री हैं अब उनको जो हुड्डा सिटी सेंटर की ओर जाएंगे वो मिले नियम गुरुग्राम के नाम से जानेंगे और उसके थ्रू यात्रा कर सकेंगे और आप टिकट ले सकेंगे। तो क्या यात्रियों को इस बारे में जानकारी हो गई है या फिर यात्री भी असमंजस में बने हुए हैं अवनिंद्र? नहीं नहीं बिल्कुल, यात्रियों को जानकारी हो गई। डीसीआरपी है जो उन्होंने प्रेस वार्ता की, साफ तौर से जो मीडिया के कर्मी से कहा जाए उनको भी जानकारी दी, तो धीरे धीरे जो है इस तरीके से दिल्ली मेट्रो में जिस तरीके के स्टेशनों पे स्टिकर लगे हैं या मेट्रो में अंदर स्टिकर लगे हैं तो उनको तमाम तरीके से उनमें बदलाव किया जाएगा और धीरे धीरे यात्रियों तक जो जानकारी है वो जानकारी मेट्रो स्टेशन के जरिए और स्टिकरों के जरिए से मिल सकेगी। जी बिल्कुल अवनिंद्र, जब नाम बदले जा रहे थे तो क्या किसी तरह की असुविधा यात्रियों को हुई? बिल्कुल पूनम, देखिए नाम बदले जा रहे थे इस तरीके के किसी तरीके की असुविधा नहीं हुई। कल जिस तरीके से नाम चेंज हुआ और आज से जो है अभी साफ तौर से अभी जो भी टिकट लेगा हुड्डा सिटी सेंटर के ही नाम से मिलेगा साफ तौर से, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर ही बदलाव आ जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो में जो स्टिकर लगे हैं उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। साफ तौर से जो दिल्ली मेट्रो पे स्टिकर लगे हैं जगह जगह जहां से हम दिल्ली हुड्डा सिटी सेंटर की ओर चेंज करते थे तो वहां से जब मिले सिटी सेंटर की ओर जो हो जाएगा तो उसके बाद कहीं कहीं जो है
यात्रियों को भी जानकारी मिल जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, गोरखपुर में सीएम योगी ने किया गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक। सावन महीने के पहले दिन का रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के बाद सीएम ने हवन भी किया। सीएम ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवन करते हुए नजर आए। सीएम ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की। आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में लगातार गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सावन महीने के पहले दिन रुद्राभिषेक किया गया और उसके साथ ही रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन किया और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूसीसी को लेकर अमित शाह के घर देर रात तक हुई अहम बैठक। उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई इस बैठक में मौजूद रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो यूसीसी को लेकर काफी समय से कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में चर्चा भी की गई। तो यूसीसी को लेकर अमित शाह के घर देर रात तक अहम बैठक हुई और उसके बाद ही अब यूसीसी पर कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी इस बैठक में शामिल थी और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में चर्चा करते हुए नजर आए। तो यूसीसी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। अटकलें जो है अब यूसीसी को लेकर तेज हो गई है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में इससे पहले ही फैसला सरकार को लेना होगा। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ इस बैठक में चर्चा की गई और ये बैठक अमित शाह के घर देर रात तक चली।